फ्रेंड्स हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। इन अवर टुडेज़ वीडियो आई विल टुडे टेल यू अबाउट द बेसिक्स ऑफ द हिस्ट्री। तो मैं आज आपको जो बेसिक बताने वाला हूँ वो है हमारा इंडियन हिस्ट्री के से रिलेटेड। इसके बेसिक्स जो हैं वो आपको आज बताऊँगा मैं इस वीडियो में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो टॉपिक ले लेते हैं वो है हमारा हिस्ट्री। और हिस्ट्री के जो मेनली इनके जो जनक है उनको वो है हमारे जनक जिनको बोला गया है उनका नाम है हेरिडोटस। तो जो हेरिडोटस हैं, एच से एच याद रखिएगा, हेरिडोटस है उनका नाम। तो ये जो हेरिडोटस है तो ये इनको जनक बोला गया है, हिस्ट्री का जनक बोला गया है, ठीक है। और मैं अब आपको बताता हूँ इसमें जो है हमारे हिस्ट्री में इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो आप इन तीनों पार्ट्स को आप देखिएगा। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसको हम बोलते हैं प्री हिस्ट्री, सेकंड जो पार्ट है वो है प्रोटो हिस्ट्री, और थर्ड जो पार्ट है वो है हिस्टोरिकल पीरियड, ठीक है। तो वो आप लोग देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये ऐसे आप अगर तीन कॉलम आप सिस्टमेटिक वे से अगर आप बनाते हैं तो वो ज़्यादा सही लगेगा। तो फर्स्ट यहाँ पर जो आता है वो है हमारा प्राक इतिहास, ठीक। तो ये देखिए, ये है प्राक इतिहास, प्राक ऐतिहासिक, ठीक है। तो प्राक ऐतिहासिक को अगर हम हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको बोलेंगे हम प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री बोलेंगे इसको हम इंग्लिश में, ठीक है। सेकंड जो हुआ है वो हमारा आग ऐतिहासिक, तो हम इसको आग ऐतिहासिक लिख लेते हैं, आग ऐतिहासिक, ठीक है। तो जो आग ऐतिहासिक है इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री। एक जो होगा वो हमारा ऐतिहासिक होगा, तो जो हमारा हिस्ट्री है उसको हम बोलेंगे ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो जो ऐतिहासिक जो है हम ऐतिहासिक को बोलेंगे क्या, हम इसको बोलेंगे कि ये जो है ये इसको हिस्टोरिकल पीरियड से बोल सकते हैं, हिस्टोरिकल पीरियड इसको बोला गया, हिस्टोरिकल पीरियड, ठीक है। तो अब हम इसमें बताते हैं आपको, इसमें तो बेसिकली सभी जो हैं वो पुरातात्विक हैं, सभी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, तो हम इसको पुरातात्विक लिखते हैं, पुरातात्विक, ठीक है। तो पुरातात्विक हो गया, ये भी पुरातात्विक है, ये भी पुरातात्विक है, और ये भी पुरातात्विक है, ठीक है। और इसमें जो है इसकी स्पेशलिटी ये है, जो प्राक ऐतिहासिक है, प्री हिस्ट्रिक है, इसमें रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं है हमारे पास, तो इसमें जो लिखित जो है, लिखित हमारे पास कोई भी प्रमाण पत्र, इसका प्रमाण नहीं है हमारे पास कुछ भी। उस टाइम पर लोग लिखा पढ़ी करना नहीं जानते थे, ठीक है। प्रोटो हिस्ट्री में लिखित तो है, लिखित तो है, मानते हैं कि लिखित है, बट उसको पढ़ा नहीं जा सकता, इट कैन नॉट बी रीड। तो इसको हम लिख सकते हैं कि पढ़ा नहीं जा सकता है, पढ़ा नहीं जा सकता है, पढ़ा नहीं जा सकता, ठीक है। और अब हम इसको ले लेते हैं ऐतिहासिक काल में, तो ऐतिहासिक को मान लीजिए, ऐतिहासिक को लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है, जैसे हम लिखित इसको कर लेते हैं, लिखित भी है और पढ़ा भी जा सकता है, ठीक है, पढ़ा भी जा सकता है, पढ़ा भी जा सकता है, ठीक। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे हम इसको बोल लेते हैं, जैसे ये जो हमारा आग ऐतिहासिक है, प्रोटो हिस्ट्री है, तो प्रोटो हिस्ट्री में जो होगा वो बताओ, और एग्जांपल हम ले सकते हैं सिंधु सभ्यता, जैसे मोहनजोदड़ो और वहाँ पे राइटिंग तो मिली है, लेकिन बट वहाँ पर हमें ये नहीं मिला है कि उनको पढ़ाया नहीं जा सकता है, वहाँ की ये बात है, ठीक। तो ये हो गया हिस्ट्री से रिलेटेड। और अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ इसमें जो, और हाँ तीन चीज़ मेन है इसको, जो स्टोन्स के हिसाब से भी इसको मतलब चेंज, जैसे कि हमारे जो ओर्स मिले हैं ओर्स के हिसाब से भी इसको बोला गया, ये जो है स्टोन एज है, ठीक है, स्टोन एज है, ये पाषाण काल है, पाषाण, ठीक है। और इस यहाँ पे प्राक ऐतिहासिक में हमें मिला है वो है हमारा कॉपर मिला है हमको, ठीक है। तो ये कॉपर मिल गया हमको कहाँ, प्राक ऐतिहासिक में, ठीक है, प्राक ऐतिहासिक में हमें कॉपर मिला, कॉपर बोले तो क्या, तांबा, ठीक है, तांबा मिला, तांबा। और इसमें जो हमें मिला वो मिला कांसा, तो कांसा लिख सकते हैं इसको, कांसा यहाँ पे मिला है, तो कांसे को हम बोलेंगे क्या, ब्रॉन्ज, ठीक। यहाँ पे मिला हमें आयरन, मतलब लोहा मिला है हमको ऐतिहासिक काल में, लोहे को हम बोलते हैं इंग्लिश में आयरन,
ठीक है। और इसकी एक स्पेशलिटी ये है कि ये जो बताया गया है कि स्टोन ये हमारा जो पत्थर मिला है और वो मिला है, तो ये क्रिश्चियन थॉमसन ने बताया है इसके बारे में। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये जो हमारे मेटल्स हैं, मेटल्स की जानकारी हमें क्रिश्चियन थॉमसन ने दी है। इसकी जानकारी हमको क्रिश्चियन थॉमसन ने दी है। क्रिश्चियन क्रिश्चियन थॉमसन ने दी है, थॉमसन ने दी है। हिंदी मेरी परफेक्ट राइटिंग में नहीं है, बट आप समझ सकते हैं, क्रिश्चियन थॉमसन ने हमें इस बात की जानकारी दी है। ठीक है। और जो है इसका लिखित जो बोला गया है, ये जॉन ब्रूस साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था इस बात के बारे में, ये जो लिखित है और कौन सा ना लिखित है। तो ये इन्होंने बताया था कि इन्होंने हमारे जॉन ब्रूस ने बताया था इसके बारे में हमें जानकारी, जॉन ब्रूस ने, ठीक है, जॉन ब्रूस ने हमें इसकी जानकारी दी थी। सो होप आपको समझ में आ गया होगा इसके बारे में। और ये देख लीजिए आप एक बार और, क्रिश्चियन थॉमसन है इनका नाम, जिन्होंने हमें स्टोन मेटल्स के बारे में बताया था, और ये राइटिंग है और कौन सा राइटिंग नहीं है ये जॉन ब्रूस ने बताया था हमको। ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल।